क्या आप कंधे के दर्द से परेशान हैं? क्या आपके इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है जिसमें कि हाथ ऊंचा उठाने से आपके तेज दर्द हो रहा है? तो आज का जो वीडियो है वो इसी जानकारी के बारे में है, इसे जरूर देखिए। दोस्तों, ऑर्थोपेडिक में कंधे और घुटने से जुड़ी विभिन्न बीमारियों की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कंधे की एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसे कहते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। कंधे में जो दर्द होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। तो ये क्या होता है, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है और इसका इलाज कैसे होता है, इस सब बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी देने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको घुटने, कंधे और ऑर्थोपेडिक से जुड़े सभी तरह के वीडियोज़ की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो मेरे सामने कंधे का मॉडल है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ मसल्स पाई जाती हैं, ये हमारी क्लेविकल बोन है, ये हमारी शोल्डर बोन है और ये स्कैपुला बोन है और ये ह्यूमरस है। तो इसमें ये नसें पाई जाती हैं जिन्हें रोटेटर कफ कहते हैं। जब कुछ लोगों के, अगर आपने देखा होगा कि कंधे में दर्द स्टार्ट हो जाता है जब वो लोग अपने कंधे को ऊपर करते हैं तो उनके शार्प दर्द होता है। ऐसा दर्द ज़्यादातर कॉमनली पाया जाता है उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा पुशअप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा जिम में वर्कआउट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा शोल्डर की हैवी एक्टिविटीज़ जैसे वेट लिफ्टिंग या ऐसा कुछ करते हैं, उनके अंदर ये दर्द पाया जाता है। स्पेशली ये पेन रात के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी ये दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि रात को करवट लेके सोने में भी दिक्कत आती है और पेशेंट को अपोजिट साइड में करवट लेनी पड़ती है। इस दर्द की पहचान ऐसे होती है कि जब आप पेशेंट को कहते हैं कि आप हाथ को ऊँचा उठाइए तो उठा नहीं पाता, उसको तीव्र दर्द होता है और वो हाथ को यहाँ से पकड़ लेता है। मेनली उसका जो दर्द है वो कंधा और यहाँ पर होता है, इससे वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि दर्द कंधे में हो रहा है तो यहाँ पर क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन ये दोनों दर्द कंधे से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा हाथ को पीछे ले जाने में या सामने की तरफ कोई मूवमेंट करने में भी उनको तीव्र दर्द होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और जब हम हाथ को ऊँचा उठाते हैं तो जो ये नसें हैं वो यहाँ पर नीचे की हड्डी से रगड़ खाती हैं। इस बात को इम्पिंजमेंट सिंड्रोम कहते हैं। तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम की वजह से ये दर्द स्टार्ट हो जाता है। इस दर्द को जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आपके शोल्डर को एग्जामिन करते हैं और आपके कंधे को इस तरह से घुमाने वाली एक्सरसाइज से चेक करते हैं। जब आपके कंधे को इस तरह से अंदर घुमाया जाता है या फिर फोर्स लगा के आपको ऊपर उठाने के लिए कहा जाता है तो घुटने में, आप कंधे में आपके बहुत तेज़ दर्द होता है, जिससे पहचान हो जाती है कि ये इम्पिंजमेंट सिंड्रोम ही है। इसके अलावा इसमें आपके कंधे का एक्सरे या एमआरआई कराया जाता है। ज़्यादातर एक्सरे से इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, लेकिन एमआरआई से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एमआरआई पे सब एक्रोमियल बर्साइटिस, कंधे में फ्लूड का इकट्ठा होना या पार्शियल रोटेटर कफ टीयर, इस तरह की रिपोर्ट आती है। इनिशियली जो इसका ट्रीटमेंट है दोस्तों वो NSAID और एक्सरसाइज से किया जाता है। इसमें शोल्डर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज की जाती है। शोल्डर की एक्सरसाइज करने से पेशेंट को समय के साथ साथ इसमें आराम आ जाता है। शोल्डर की एक्सरसाइज की वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर शोल्डर एक्सरसाइज से फ़ायदा नहीं आता, NSAID दवाइयों से इसमें फ़ायदा नहीं आता, तो नेक्स्ट स्टेज में इसमें कंधे में इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। कंधे में कॉर्टिसोन का इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि 5 मिनट का प्रोसीजर है। उसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। और इंजेक्शन क्या करता है कि इंजेक्शन जब हम दोनों बोन्स के बीच में लगाते हैं तो उससे जो अंदर का जो फ्लूड है वो सूख जाता है और 2 से 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने के लिए आराम आ जाता है। कभी काफ़ी सारे पेशेंट्स तो परमानेंटली ही ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दर्द का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू की स्टेज में दवाइयां हैं और अगर दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता, फिजियोथेरेपी से भी फ़ायदा नहीं होता, तो इंजेक्शन के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत कम दोस्तों ऐसे पेशेंट्स होते हैं, 10% आप मान लीजिए, जिनके अंदर इंजेक्शन से भी फ़ायदा नहीं हो पाता, तो उस स्टेज में हमें आर्थ्रोस्कोपी का सहायता लेनी होती है। आर्थ्रोस्कोपी एक दूरबीन द्वारा किए जाने वाला प्रोसीजर है जिसमें कोई चीराफाड़ी नहीं होती। ये दूरबीन से बहुत ही छोटे चीरे से किया जाता है। इसमें हम कंधे के अंदर जाते हैं और दूरबीन से जो यहाँ की जो हड्डी बड़ी हुई है उसकी घिसाई कर देते हैं। इस प्रोसेस को सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन कहा जाता है। सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन के बाद 2 से 3 दिन में ही आप अपने काम पर लौट सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के आराम की या बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। आर्थ्रोस्कोपिक सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन के साथ कभी कभी अगर रोटेटर कफ ज़्यादा फटा हो तो रोटेटर कफ टीयर का भी रिपेयर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आर्थ्रोस्कोपी द्वारा करने से आपको तुरंत ही इलाज के बाद दर्द में राहत मिल जाती है और दर्द खत्म हो जाता है। काफ़ी सारे लोग दोस्तों इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को फ्रोजन शोल्डर से भी कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। फ्रोजन शोल्डर एक सिम्टम है, जैसे हम कहते हैं कि आपको फीवर है,
तो फीवर एक सिम्टम है, लेकिन उसके सिम्टम्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक फीवर के कारण हो सकते हैं मलेरिया या टाइफॉइड या वायरल फीवर या पैरासाइट। उसी प्रकार से फ्रोजन सिंड्रोम जो है वो एक सिम्टम है। फ्रोजन सिंड्रोम का मतलब है कि आपका जो कंधा है वो जाम हो गया है, लेकिन वो जाम क्यों हुआ है इसका पता लगाना जरूरी है। इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी आपके कंधे को फ्रोजन शोल्डर बना सकता है। तो अगर सही समय पर आप इम्पिंजमेंट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपके कंधे के मूवमेंट्स भी रहेंगे और आप दोबारा से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से बैडमिंटन और जो भी आप खेल खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी किसी को कंधे का दर्द है, स्पेशली अगर वो कोई चीज़ उठाते वक्त उनको कंधे में तीव्र दर्द होता है, तो आप हमारे ऑनलाइन हेल्प प्रोग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ निर्धारित शुल्क देकर डॉक्टर से बात कर सकते हैं, एक्सरसाइज की वीडियोज मंगा सकते हैं, और अगर एक्सरसाइज से फ़ायदा ना हो तो इंजेक्शन वाली थेरेपी भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, जैसे मैंने अपने वीडियो के शुरू में बताया था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली ही हम एक या दो वीडियो कंधे और घुटने के बारे में डालते रहते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी मिलती है। ये सब जानकारी हिंदी में हमारे यूट्यूब पर मिलना बहुत मुश्किल है। इंग्लिश चैनल्स पर ये जानकारी उपलब्ध होती है, लेकिन इंडियन चैनल्स पर ये बहुत कम उपलब्ध है। तो ये हिंदी में हम इसको सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें और सही समय पर अपना इलाज ले सकें। तो इसी तरह से अगली बार भी हम किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आएंगे दोस्तों। थैंक यू।